एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूँ रविंद्र कुमार। गाइज, लेसन नंबर 2 हमारा एंड्रॉयड का चल रहा था, ठीक है, जिसमें हम 2 लेक्चर कवरअप किए थे और आज हम लोग तीसरा लेक्चर कवरअप करेंगे, जिसमें आज जितने भी टॉपिक हैं वो सारा का सारा हम लोग आज एंड कर देंगे, ठीक है। और फास्ट अब पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जान लीजिए। पहला पॉइंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा है एपीआई लेबल, ठीक है। एपीआई लेबल क्या होता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक नोट करना चाहता है नोट भी कर सकता है साथ ही साथ। दूसरा जो हमारा है कि एपीआई लेबल का एक फ्रेमवर्क पूछता है, तो डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिए कि एपीआई का फ्रेमवर्क क्या होता है। एंड्रॉयड का अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम जो है नहीं हुआ है डिप्लोमा में, तो आप लोग इस बार का जो है एग्ज़ाम बहुत ही सिंपल आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला है, तो टेंशन लेने की किसी को ज़रूरत नहीं है। तो 2 चीज़ें हो गया। और तीसरा जो आपका पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन वो हमारा होगा एंड्रॉयड आर जावा फाइल, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे आगे। अगला हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि फर्स्ट यानी बोल सकते हैं सिंपल एप्लीकेशंस किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। सिंपल एप्लीकेशंस क्या होता है या किस तरह से बनाते हैं ये पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग बात करेंगे कि इसी में जैसे कि हेलो एंड्रॉयड अगर हम लोग को बुलाना है, या हेलो और एंड्रॉयड का अगर प्रोग्राम बनाना है या उसको क्रिएट करना है या एप्लीकेशन बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें लगती है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इसमें बहुत सारे फाइल्स होते हैं उनके बारे में भी समझ लेंगे कि क्या क्या फाइल्स होते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एंड्रॉयड एमुलेटर क्या होता है, ठीक है, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है, ये भी आ सकता है, ठीक है। जो वेरी इम्पोर्टेंट लगा रहे हैं उसको ज़रूर सभी लोग नोट करेंगे। अगला इम्पोर्टेंट आ सकता है जो कि एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन, सॉरी वर्चुअल डिवाइस, इसको हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं ADV, ठीक है, AVT। तो एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस हो गया, ये आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम लोग आगे डिस्कस कर रहे होंगे। और अगर हम लोग एमुलेटर की बात किए तो थोड़ा सा देख लेंगे कि किस तरह से हम लोग एमुलेटर को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, यानी इंस्टॉल द एमुलेटर, तो ये भी देख लेंगे थोड़ा सा कि किस तरह से हम लोग एमुलेटर को, एमुलेटर क्या होता है और इसको किस तरह से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड में, किस तरह से रन कर लेंगे, ठीक है, ये भी सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। तो ये सारी टॉपिकें हैं। और इसमें एक और हमारा टॉपिक आता है लेआउट का, ठीक है, तो ये हम लोग लास्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा, ठीक है, वो हमारा रहेगा लेआउट का, कि लेआउट रिसोर्स क्या होता है, ठीक है, लेआउट रिसोर्स क्या होता है, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट लगा लेंगे सब लोग। तो इतने टॉपिक आज डिस्कस करेंगे 6-7, और लेसन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िएगा शुरू से अंत तक। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे याद दिला देता हूँ कि हमने पिछले क्लास में जो है एंड्रॉयड का परमिशन पढ़ा था, कि एंड्रॉयड परमिशन कितने टाइप से दे सकते हैं और एंड्रॉयड परमिशन होता क्या है। जब हम कभी कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जो परमिशन देने होते हैं वो बेसिकली परमिशन कहलाते हैं, और एंड्रॉयड परमिशन के बारे में भी हमने बताए थे आप सभी को। और आज का टॉपिक हमने सबसे पहले लिया है एपीआई लेबल क्या होता है। एपीआई लेबल एक, देखिए, इंटीजर वैल्यू होता है, इंटीजर वैल्यू जैसे कि
1, 2, 3, 4 ये सब आप सभी लोग जानते हैं ये इंटीजर वैल्यू क्या होता है। तो API लेवल एक क्या होता है, इंटीजर वैल्यू होता है जो कि 1, 2, 3, 99 तक हो सकता है, जो कि विशेष रूप से एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म वर्जन द्वारा पेश की गई फ्रेमवर्क API संशोधन की पहचान कराता है। यानी जो हमारा API का फ्रेमवर्क है, ठीक है, उसका जो भी आगे काम हुआ रहता है या फिर जो भी उसकी संशोधन की गई होती है, जैसे कि अगर हम कोई ऐप की बात करें तो वो हमारा जो ऐप अपडेट किया गया रहता है, अपडेट करने के बाद, ठीक है, जो टाइम होता है उसकी पहचान कराना जो है API लेवल का काम होता है। यानी API फ्रेमवर्क की पहचान कराना या संशोधन कराना, ठीक है, API लेवल का काम होता है। API लेवल एक क्या होता है, इंटीजर वैल्यू होता है, जैसे कि 1 से लेके 9 तक हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें API फ्रेमवर्क का, ठीक है, API लेवल आपने पढ़ी लिया कि API लेवल क्या होता है, एक इंटीजर वैल्यू होता है जो कि API फ्रेमवर्क का या फ्रेमवर्क API का, ठीक है, संशोधित करने के लिए उपयोग करता है। यहाँ पे API फ्रेमवर्क की बात करें तो API फ्रेमवर्क पैकेज और क्लासेज का एक मुख्य ग्रुप होता है, ठीक है, जो हमारे पास पैकेज होते हैं या फिर जो भी क्लासेज होते हैं उनका एक क्या होता है, मेन ग्रुप होता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें API फ्रेमवर्क में तो यह XML जो होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स और जो हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, XML एलिमेंट और उसके एट्रीब्यूट का एक क्या होता है, सेट होता है, जो मैनिफेस्ट फाइल को डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है। किसको, मैनिफेस्ट फाइल जो हमारे पास होते हैं उसको डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है, API फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। यानी XML एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट दोनों का क्या होता है, एक सेट होता है। यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि API फ्रेमवर्क क्या होता है, तो आप लोग लिखिएगा कि जो हमारे पास XML एलिमेंट्स होते हैं और एट्रीब्यूट जो होते हैं उन दोनों का सेट होता है, जो कि हमारा मैनिफेस्ट फाइल को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। मैनिफेस्ट फाइल प्रोग्रामिंग में यूज हुआ है, आप सभी लोग को याद होगा। तो अब आगे हम लोग देखिए तीसरा यहाँ पे समझेंगे कि API फ्रेमवर्क क्या है। API फ्रेमवर्क XML जो एलिमेंट्स होते हैं और जो एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, उनका एक सेट होता है, ये हमने बताया, जो कि रिसोर्स की घोषणा करने और उन तक पहुँचने के लिए, यानी जो हमारे पास रिसोर्स होते हैं वहाँ तक जाने के लिए ये हमारा यूज होता है या प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और एक दो और यहाँ पे हम लोग याद रख लेंगे कि हमारा जो API फ्रेमवर्क है वो का काम करता है। तो इंटेंट का एक सेट होता है, याद रख लीजिएगा कि इंटेंट्स जो होते हैं उसका एक सेट होता है, या फिर जो हमने अभी पिछले परमिशन पढ़ाया है, परमिशन का भी एक सेट होता है, ठीक है, परमिशन का एक सेट है जो कि आवेदन कर सकता है, साथ ही साथ सिस्टम में शामिल अनुमति लागू कर सकता है। यानी जो भी उसको अनुमति परमिशन देने हैं वो परमिशन दे सकता है, क्योंकि वो परमिशन का एक सेट होता है। तो API फ्रेमवर्क, आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि API फ्रेमवर्क जो है क्या क्या होता है और API क्या होता है। आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि आपका पूछ सकता है, एंड्रॉयड आर जावा फाइल, जो हमने दूसरा टॉपिक आपके लिए लिए थे कि एंड्रॉयड आर जावा फाइल क्या होता है। अब इसके बारे में समझेंगे कि हमारा एंड्रॉयड आर जावा फाइल क्या होता है। ये एक प्रकार का फाइल ही होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें लास्ट में फाइल लगा है तो समझेंगे फाइल ही होता है। बट ये किस टाइप का फाइल होता है, क्या होता है, उसको आगे चलिए पढ़ते हैं। देखिए एंड्रॉयड आर जावा फाइल जो है वो एप्ट एंड्रॉयड एसेट पैकेज टूल्स होती है, जो कि या जिसके द्वारा एक ऑटो जनरेट की गई फाइल होती है। कैसी, ऑटो, ठीक है, ऑटो जनरेट की गई एक फाइल होती है जिसमें कि RES, ठीक है, डायरेक्टरी के सभी रिसोर्स के लिए रिसोर्स ID होती है, जो कि यदि आप एक्टिविटी मेन XML फाइल में कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं, किसमें, एक्टिविटी मेन XML फाइल में, यानी जब आप प्रोग्राम करेंगे एंड्रॉयड का तो उसमें हम एक्टिविटी मेन XML फाइल में कंपोनेंट बनाए हैं। अगर आपको इसकी PDF वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, टेलीग्राम पे हम इसको अपलोड कर देंगे तो आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, RK Study 2.0 भी सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाके तो भी मिल जाएगा, ठीक है।
तो आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। प्रोग्राम जो है मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ, उसके बारे में समझा दे रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है और आपका एग्ज़ाम पहली बार होने जा रहा है जो कि लिखित हो रहा है। ठीक है, वैसे तो हुआ था एक बार ऑनलाइन, लेकिन इस बार लिखित होने जा रहा है पहली बार पॉलिटेक्निक में, तो ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो एंड्रॉयड आर जावा फाइल है वो एक टाइप का फाइल ही होता है, बट इसमें डायरेक्टरी के सभी रिसोर्स के लिए रिसोर्स एक आईडी बनाई होती है, जो कि एक्टिविटी मेन जो XML फाइल होती है उसमें कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं। अब यहाँ पे आगे समझिएगा कि इससे जो संबंधित होते हैं कंपोनेंट के लिए एक आईडी ऑटोमेटिक यानी ऑटोमेशंस के रूप में इस फाइल को बनाई जाती है, और कंपोनेंट पर किसी भी क्रिया को करने के लिए इस आईडी का उपयोग एक्टिविटी सोर्स फाइल्स में किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको याद लिखते हैं। अगर आप लोग प्रोग्राम में देखेंगे एंड्रॉयड आर जावा, ठीक है, पाथ देते हैं, इसमें एक न्यू दे देंगे, फिर कॉम करके फिर यहाँ पे आर जावा होता है। इस तरह से प्रोग्राम इसका बनता है। आगे हम लोग समझेंगे, जो आगे हम लोग तीसरा पॉइंट हमने आप सभी को बताए थे, फर्स्ट या बोल सकते हैं सिंपल एप्लीकेशंस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, या किस मतलब उसको क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोग को ज़रूरत होती है, बस ये अभी जानना ज़रूरी है। ठीक है, इसकी आप प्रोग्राम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लंबे हैं, तो आप फर्स्ट सिंपल एप्लीकेशंस को किस तरह से बना सकते हैं ये समझिए। देखिए, एंड्रॉयड SDK जो होता है, ठीक है, एंड्रॉयड SDK का उपयोग करके अपना पहला जो है हेलो बोल सकते हैं, हेलो एंड्रॉयड बोल सकते हैं, या कह सकते हैं कि पहला जो है एप्लीकेशंस को बना सकते हैं, सिंपल एप्लीकेशंस को यानी एंड्रॉयड SDK का उपयोग करके अपना पहला उदाहरण लिखना शुरू करने से पहले हम यह सुनिश्चित करना होता है कि हमें अपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट वातावरण को ठीक से सेट किया है कि नहीं किया है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग को फर्स्ट सिंपल एप्लीकेशंस को बनाने हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, तो तीन चीज़ें ध्यान में रखने होते हैं। पहला चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना होता है क्रिएट द न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे लिखा गया कि हेलो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाने के लिए तीन चरणों को पालन करना होता है। फर्स्ट में पालन करना होता है क्रिएट द न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, वो कौन सा ऐसा नया प्रोजेक्ट है जिस पे कि हम लोग को काम करना है। दूसरा हम लोग करेंगे यहाँ पे राइट द मैसेज, ऑप्शनल है ये, उसमें मैसेज को राइट करना होता है। तीसरा होता है जब आप राइट कर लेंगे तो इसमें रन द एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। तो ये तीन चीज़ें होती हैं, जिसने यह तीनों चीज़ के बारे में समझ लिया, ठीक है, वो इस प्रोग्राम्स को रन करा सकता है। अगला जो टॉपिक हमने लिया हुए हैं वो है हमारा एंड्रॉयड एमुलेटर के बारे में। अब ये क्या होता है और हमारे एंड्रॉयड में किस तरह से यूज किए जाते हैं, ये सारी बातें डिस्कस अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। तो देखिए, एंड्रॉयड एमुलेटर जो होता है वो हमारे कंप्यूटर पे एंड्रॉयड का एक डिवाइस होता है जो कि सिमुलेट करने का काम करता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारे फोन्स जो है, ठीक है, उसमें कॉल आता है या मैसेज आता है, ठीक है, कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए, टेक्स्ट करना हो, ये सारी चीज़ों को सिमुलेट करने के लिए, ठीक है, रोटेशन हमारे फोन्स को करने हैं या अन्य हार्डवेयर सेंसर को सिमुलेट करना है, तो ये सारी चीज़ें को करने के लिए एंड्रॉयड एमुलेटर का यूज करते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि एमुलेटर जो है वो क्या क्या काम करता है। एक बार फिर से बता देते हैं कि एमुलेटर जो है ये हमारे कंप्यूटर का एक डिवाइस होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर में ये ऐसी एक कैपेसिटी होती है जिसके अंतर्गत में हम आने वाली जो फोन्स कॉल्स होते हैं, टेक्स्ट मैसेज होते हैं, उन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ रोटेशन और अन्य हार्डवेयर सेंसर जो लगे होते हैं उसको हम लोग सिमुलेट करते हैं। तो ये सिमुलेट करने का एक हमारे पास व्यवस्था है जिसको हम लोग एमुलेटर बोलते हैं। अगर एमुलेटर की बात करें कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है, तो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंतर्गत में होते हैं, टैबलेट के अंदर में होते हैं, एंड्रॉयड TV के अंदर में होते हैं, यानी जो भी एंड्रॉयड से रिलेटेड होते हैं वहीं पे हमारा एमुलेटर पाया जाता है, क्योंकि एमुलेटर का काम ही कुछ ऐसा होता है जो कि हमारे एंड्रॉयड के अंदर में ही ये काम करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एंड्रॉयड टैबलेट और एंड्रॉयड TV। अगला पॉइंट हमारा जो है वो है एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। ठीक है, अब एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस क्या होता है इसके बारे में समझते हैं।
एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस जो है वह एक तरह से बोल सकते हैं, जो हमने एंड्रॉयड एमुलेटर पढ़ा है, ठीक है, एंड्रॉयड एमुलेटर, ठीक है, इसी का एक रूप है जिसको हम लोग बोल सकते हैं एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, ठीक है, यानी एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस जो है एंड्रॉयड एमुलेटर का एक रूप है, जिसकी सहायता से हम किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस को पीसी यानी जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है या लैपटॉप हो, वो सारी चीज़ों को चला सकते हैं। अब देखिए, चलाने की बात तो कोई भी हम लोग पर्सनल कंप्यूटर चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ख़ास क्या बात है वो समझेंगे कि जो हमारा पीसी होता है यानी जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है या लैपटॉप्स होते हैं, ठीक है, उन सारे में कोई ना कोई एप्लीकेशंस होते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पे समझने वाली बात है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस जो होते हैं, ठीक है, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस जो हमारा होता है उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते हैं, और ये जो सिस्टम होते हैं यानी जो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप्स होते हैं, इन सभी को चलाने के लिए जो है हम लोग एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस का यूज कर सकते हैं या एंड्रॉयड एमुलेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को चलाने के लिए हम लोग AVDA यानी एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस या एंड्रॉयड एमुलेटर का यूज करते हैं। एक बात यहाँ पे ख़ास और है कि एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस के अंतर्गत में यदि किसी भी सिमुलेटर या फिर किसी भी हार्डवेयर या फिर किसी ऐप को अगर टेस्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग को एक एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को बनाना ज़रूरी हो जाता है, जहाँ की प्रत्येक डिवाइस को मॉडल करने के लिए जिस पर हम ऐप चलाना चाहते हैं या डिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें AVDA बनाने और मैनेज करने के लिए AVDA मैनेज का उपयोग कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे AVDA जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के या एंड्रॉयड में। एमुलेटर जो होता है उसको इंस्टॉल करने के लिए दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है। पहला तो हमारा ज़रूरी होता है कि SDK मैनेजर जो होते हैं उसको और SDK टूल्स जो होते हैं उन दोनों का, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है वो सारी चीज़ें उसके कंपोनेंट के अंदर में आ जाते हैं। तो दो कंपोनेंट इसके जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करने समय एंड्रॉयड एमुलेटर को भी इंस्टॉल किया जाता है, यानी जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं तभी एंड्रॉयड एमुलेटर का यूज होता है, इसलिए उसको इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। एंड्रॉयड एमुलेटर को इंस्टॉल करने के लिए SDK मैनेजर के SDK टूल्स टैब में एंड्रॉयड एमुलेटर कंपोनेंट का चयन करते हैं, जिसमें जो जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारी कंपोनेंट्स को यहाँ पे लेकर इंस्टॉल किया जाता है। यहाँ से एक दो बातें और चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। रन एन एंड्रॉयड ऐप ऑन द एमुलेटर, देखिए एंड्रॉयड स्टूडियो में एक एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस होता है, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि AVDA एक एमुलेटर होता है, तो वही चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो में जब एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर रहे हैं या एंड्रॉयड एमुलेटर को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उस समय हमारा जो AVDA होता है एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस जो होता है वो एक एमुलेटर टाइप का होता है या एमुलेटर होता ही है, जो कि हमारे ऐप को इंस्टॉल करने और साथ ही साथ चलाने के लिए
सहयोग होता है। दूसरा बाकी जो हमारा टूल्स बार होता है, टूल्स बार में जो हमारे एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस होते हैं उसका चयन करने के लिए, जैसे कि अपने ऐप को टारगेट डिवाइस टॉप डाउन मेन्यू से चलाने के लिए या चला पाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ही उपयोग होता है। एक हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग DDMS बोलते हैं, ठीक है। अब ये DDMS क्या होता है इसके इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसलिए इसको ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं। DDMS का फुल फॉर्म होता है डेल्विक, ठीक है, डीबग मॉनिटर सर्वर। अब यहाँ पे ये डीबग मॉनिटर सर्वर क्या होता है, जो कि डिवाइस पर कई सेवाएं को उपलब्ध कराता है। कौन कौन से सेवा हमारे पास आ सकते हैं, जैसे कि मैसेज हो गया, ठीक है, फॉर्मेशंस हो गए, कॉल्स हो गए, ठीक है, कैप्चरिंग स्क्रीन शॉट हो गए, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी फाइल सिस्टम हो गए, इस टाइप के जितने भी चीज़ें शामिल होती हैं वो सारी चीज़ें हमारा DDMS यानी डेल्विक डीबग मॉनिटर सिस्टम के अंतर्गत में आते हैं। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे DDMS समझ गए होंगे। तो लेसन नंबर 2 का ये लास्ट टॉपिक है जिसको हमने बताए थे कि आज कवरअप करेंगे लेआउट रिसोर्स के बारे में, ठीक है। तो लेआउट रिसोर्स जो होता है वो क्या होता है इसके बारे में चलिए समझते हैं। लेआउट रिसोर्स जो है बेसिकली हमारा एक प्रकार का एक ऐसा रिसोर्स होता है जो कि एक्टिविटी में यूजर इंटरफेस जो होते हैं उसके लिए आर्किटेक्चर या यूजर इंटरफेस के लिए एक कंपोनेंट को परिभाषित करता है। यानी लेआउट रिसोर्स के अंतर्गत में जो भी हमारे यूजर इंटरफेस हैं उसके कंपोनेंट को परिभाषित करता है। जैसे कि अगर कोई भी प्रोग्राम हम कर रहे हैं तो उसकी फाइल लोकेशंस क्या है, उसकी फाइल लोकेशंस क्या है, आईडी क्या है, इंटरफेस क्या है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करता है। जैसे कि अगर सबसे पहले फाइल लोकेशंस की बात करें तो इसमें हमारा लेआउट फाइल नेम .xml फाइल नेम का उपयोग करके रिसोर्स आईडी के रूप में किया जाता है। उपयोगकर्ता इंटरफेस के लिए बुनियाद ब्लॉक व्यू ऑब्जेक्ट जो हैं, व्यू क्लास जो हैं उसको बनाया गया है और स्क्रीन पर एक आयताकार क्षेत्र पर इस तरह से उसको हम लोग कब्जा कर लेते हैं, उसकी सारी डिटेल्स जो है उसमें इन्वॉल्व होती है। तो हम सो सिंपली समझेंगे कि लेआउट जो है हमारा वो एक फाइल लोकेशंस होते हैं जिसमें हम लोग फाइल्स नेम आईडी ये सारी चीज़ों को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ हमारा जो लेआउट है उसका एक फिगर है जो कि सबसे पहले ऊपर लीनियर लेआउट हमारा दिया गया है, लीनियर लेआउट के अंतर्गत में, ठीक है, ये हमारा लीनियर लेआउट हो गया। यहाँ पे हमारे तीन चीज़ों में डिवाइड हो गई है। पहला तो एक हमारा रिलेटिव लेआउट है जो कि लीनियर लेआउट के साथ कनेक्ट है, दूसरा हमारा व्यू लीनियर लेआउट है और तीसरा भी है जो हमारा व्यू लेआउट, ठीक है। अगला है यहाँ पे जो कि ये तीन चीज़ों से डिवाइस है, रिलेटिव लेआउट जो है तीन चीज़ों से डिवाइड किया गया है, तीनों व्यू हमारा है लेकिन व्यू रिलेटिव लेआउट है, व्यू लेआउट पैराम है, फिर व्यू रिलेटिव लेआउट, तो ये तीनों चीज़ से है। तो इस तरह से कुछ लेआउट का फिगर बनाया गया है। आई होप कि यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक आपने समझ गया होगा कि लेआउट रिसोर्स क्या होता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, लगा लेंगे सभी लोग, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेआउट रिसोर्स क्या होता है। तो लेआउट रिसोर्स जो है वो एक हमारे एक्टिविटी में यूजर इंटरफेस के लिए आर्किटेक्चर या फिर उसके कंपोनेंट को परिभाषित करने के लिए लेआउट रिसोर्स का यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है जिसमें कि हम लोग फाइल लोकेशंस में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, उसका किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, उसकी आईडी क्या हो सकती है, इंटरफेस क्या होती है, उन सारे जो है बुनियाद पे इसको बनाया गया है, उसके व्यू ऑब्जेक्ट्स को दिखाया गया है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। लेसन नंबर जो है 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से, एंड्रॉयड का लेसन नंबर 3, ठीक है, जिसमें कि पूरा मतलब 3 का जितना भी टॉपिक है सारा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।